नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केदारनाथ के एक रहस्यमय चट्टान भीमशिला के बारे में। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ में 16 जून 2013 में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। केदारनाथ में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई थी, जल प्रलय आया था। 16 जून 2013 शाम लगभग 7:30 बजे अचानक से मंदिर के पीछे पहाड़ी से पानी का सैलाब आता दिखा। लोगों की सांसें डर की वजह से थम गईं। सारे श्रद्धालुओं ने मंदिर में शरण ली। जल प्रलय से मकान मलबे में तब्दील हो गए थे। पहाड़ों में उथल पुथल मच गई थी। तबाही ने तांडव किया था, लेकिन एक चमत्कार ने केदारनाथ मंदिर को बचाया। वहां मौजूद पुजारियों ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ी से जहां से पानी का सैलाब आ रहा था, पहाड़ों के पत्थर भी बहकर आ रहे थे। मिट्टी का मलबा भी बहके आ रहा था। तभी एक बड़ी चट्टान मंदिर की ओर बहते हुए आ रही थी और मंदिर से करीब 60 से 80 फीट की दूरी पर वह चट्टान आकर रुक गई और तेजी से आ रहे बाढ़ का पानी दो भागों में बट गया और केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। मंदिर में शरण लेने वाले लगभग 500 लोगों की जिंदगी बच गई। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि यह चट्टान, जिसे भीमशिला नाम दिया गया, मंदिर के पीछे आकर कुछ दूरी पर क्यों रुक गई। आखिर इसे किसने रोका? क्या यह भोलेनाथ का चमत्कार था या कुछ और? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज भी यह भीमशिला उसी स्थिति में मंदिर के पीछे एक ढाल की तरह कायम है। यह शिला भोलेनाथ की डमरू का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस चमत्कार के बारे में, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।